website, that Crime Free India. Crime Free India is not there. It's a Crime Free Bharat. It's a YouTube. Oh, acha, acha, acha. Is there. It's a Crime Free Bharat. Yeah. Okay. Because that is different. Yeah, it's a altogether different. It's a basically more of a journalism kind of the thing. Andhra kaha jata hai. Yeah, it's a more about the crime rather than making it crime free. We are three different words, you know? Yeah. Three different words. Yeah, crime free Bharat. Even if you write together, it will come the same. All right, fine. I'll look at that and let you know. Yeah. Okay, sir. Thank you. Abhi aap yahi par hain? हाँ मैं बस आज निकल रहा हूँ. अच्छा भोपाल जाएंगे आप? हाँ. देखो अवध, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा जी, कि इट इज ए टाइम टू मेक ए डिफरेंस. इट इज ए टाइम कि ये नेता आपको, जो कि खुद क्रिमिनल्स हैं, अब देखिए मैं आपसे एक बड़ी छोटी सी बात की गुजारिश करना चाहूंगा जी. देखिए अभी जो यूपी का चुनाव हुआ है, हाँ, इसमें दो ही चेहरे लड़ रहे थे, योगी एंड मोदी. और जी, उन जो भी कैंडिडेट थे उनका चेहरा गौड़ था, उसका कोई महत्व नहीं था. ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं जी? इसके बावजूद अभी इलेक्शन कमीशन में मैं जो इनके द्वारा खुद के द्वारा अपने आपराधिक रिकॉर्ड का एफिडेविट दिया जाता है उसको स्टडी कर रहा था जी, तो आई फाउंड कि 50.8585 मतलब 51% जो एमएलए जीते हैं आर द पर्सन ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड जी. और इनमें से दो लोग तो ऐसे हैं जो कि जेल में बंद थे और जेल से जीत गए. हाँ, एक तो आजम है और दूसरा वो जी जी ना. देखो ना, देखो नाम महत्वपूर्ण नहीं है. हाँ, समझ गया मैं. महत्वपूर्ण ये है कि ऐसा हो रहा है. तो जब योगी और मोदी का चेहरा ही लड़ रहा था तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि इन अपराधियों को टिकट दिए गए, नंबर वन. अब अपन एक के लिए समझने की कोशिश करें इनके पर्सपेक्टिव से, कि चूंकि दूसरे जो लोग खड़े हुए थे वो अपराधी किस्म के थे और टोटल इफेक्टिवनेस में योगी और मोदी का चेहरा भी हार जाता यदि उतना ही खूंखार चेहरा इनकी तरफ से खड़ा नहीं होता तो. राइट, एक मिनट के लिए ऐसा मान लेते हैं. मतलब सत्य है कि नहीं है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अपन थोड़ी देर के लिए इस बात को इस ढंग से सोचने की कोशिश करते हैं. ओके. तो अब उसको इस ढंग से समझने की हम कोशिश करें कि जब इस देश में चपरासी को भी साचरित्र और साक्षर होना चाहिए, उस समय कानून के निर्माता अनपढ़, गंवार और विवश अपराधों के अपराधी क्यों? राइट जी, नंबर वन. नंबर टू जो है, इसमें एक PIL सुप्रीम कोर्ट में लगी थी जो आपने जरूर सुनी होगी, उपाध्याय जी का. हाँ, जिसमें ये बात कही गई थी कि जब चपरासी होने के लिए आपको साचरित्र होने की जरूरत है, हाँ, देश के कानून के निर्माता होने के लिए अपराधी क्यों चलेंगे? राइट. हाँ, और इस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना और उन्होंने कहा कि हमारी सीमाएं हैं इस बारे में, पार्लियामेंट को पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में माकूल संशोधन करके इसको ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी अनुरोध करता हूं. ठीक है. इस अनुरोध को तो किसी ने नहीं माना. माननीय योगी और मोदी ने 51% एमएलए जो है वो आपराधिक रिकॉर्ड के जीते हैं, वो तभी जीतेंगे ना जब हमने उनको टिकट दिए होंगे. करेक्ट. तो इसका मतलब ये है कि आसुरी शक्तियां चारों तरफ से हावी हो रही हैं और ये किसी भी पार्टी के रूप में क्यों ना हो, ये सभी आसुरी शक्तियां हैं. ये जो है आपको लड़ाएंगी. कुछ लोगों ने बहुत ही विवश तरीके से लड़ाया, जैसे जो कि नेहरू ने किया. देखो मालूम नहीं अवध जी, आप मुझे how could you read me, लेकिन मैं इस बात को जितना मैं अध्ययन कर रहा हूं, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह देश जो है, इस देश के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है आजादी के. हुआ है. करेक्ट. दिस वाज इनिशिएटिव बाय द ब्रिटिशर्स. या इट वाज इनिशिएटिव बाय द ब्रिटिशर्स. और वो भारत को इकोनॉमिकली इतने वीक हो चुके थे कि उस विद्रोह की स्थिति में वो शासन चलाने की स्थिति में ही नहीं थे. राइट जी. तो उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर जो है करने का निर्णय लिया
और एक्ट भी उन्होंने अपने ही पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित करेक्ट किया, द सेवेंटी गवर्नमेंट ऑफ लाइफ, इंडिया। जी। राइट। हाँ इस और उसमें तय जो है कैबिनेट मिशन ने किया कि नेहरू को जो है ना बनाना है, क्योंकि नेहरू जो है एक दुबले पतले चरित्र का व्यक्ति है, ब्रिटेन हाँ में पड़ा हुआ है। तब इसके हाँ बाद जो है एडविना माउंटबेटन जो इसके साथ पड़ी थी, जिन्ना के साथ पड़ी थी, हाँ इनका आइडेंटिफाइड एज ए पर्सन टू ब्रिंग इट इन टू इफेक्ट। और जी यही कारण है कि उस समय जो वाइसराय थे लॉर्ड बोविल, उनको असमय विदाई दी गई और लॉर्ड माउंटबेटन को बर्मा बॉर्डर से विड्रॉ करके यहाँ बुलाया गया। राइट। जी 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 एडमेना जी ने अपना काम बहुत अच्छे ढंग से किया और हाँ गांधी जी तो सामने चेहरा थे, गांधी जी ने कुछ नहीं किया, ये सब गांधी कुछ जी तो खैर गांधी जी हाँ तो जी उसे तो जो वास्तव कहा जा रहा था वो कर रहे थे। और देखिए मुझे कई बार लगता है कि गांधी जी कितने असहाय थे। देखिए नौअखली में जब हाँ नृशंस हत्याएं की गई अक्टूबर 1946 जी में, नृशंस जी हत्याएं मतलब जो एक वहां पर पीर था जिसका नाम गुलाम सरवर था, इस हाँ व्यक्ति ने आवाहन किया और वहां से मुस्लिम लोग गए और एक एक करके एक एक घर को आइडेंटिफाई किया, उनको हाँ छाया मैं और लोगों को काट के उसकी बूटियां जो है ना आग के हवाले कर दी गई और उनका सिर काट के इस वीर गुलाम सरवर के चरणों में डाला गया। जी महिलाओं को बच्चियों को जो है निकाह पढ़वाया गया, उनसे हाँ गायें कटवाई गई, उसको जो है ना खाने के लिए मजबूर किया गया। ऐसा कांड होने पर जब काफी प्रेशर के बाद गांधी जी वहां गए तो गांधी जी के मुंह से एक शब्द ये नहीं निकला कि ये तो बहुत ही वैश्याना बोला वो है, इनको प्रोजिक्यूट किया जाए। इस कहने की बजाय गांधी जी ने जानते क्या कहा, ही सैड कि हमें हमारी महिलाओं को अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाहिए रेप के लिए, सो दे शुड कमिट सुसाइड। फिर इन्होंने सुसाइड करने का तरीका बताया कि आप अपनी नस काट दीजिए। फिर कहा अच्छा नहीं, हम इस बारे में और विचार करके अगले दिन प्रार्थना सभा में इस व्यक्ति ने कहा कि जहर खाना एक बेहतर ऑप्शन है। मतलब इज इट नॉट ए समथिंग वेरी वेरी, मतलब इस बिंदु पे डिटेल में चर्चा होना चाहिए कि भाई गांधी हैज डन दैट। राइट मतलब गांधी गांधी वॉज ए मिसप्लेस्ड इंटेलेक्ट, ही वॉज हाईली हिप्नोटाइज बाय द ब्रिटिश। सवाल वो नहीं है, सवाल वो है कि कांग्रेस वाज हिप्नोटाइज, कांग्रेस क्रिएट ही की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ओएएम क्रिएटेड है हाँ जी 1885, दैट इज ट्रू। इट वाज क्रिएटेड एज अ फन क्लब ऑफ द ब्रिटिश एजुकेटेड पीपल एंड जी नेटिव के ऊपर जो है ना शासन करने के लिए कांग्रेस क्रिएट की गई थी। सो इट वाज नॉट क्रिएटेड फॉर ब्रिंगिंग यू द फ्रीडम फ्रीडम दैट्स राइट एंड इस तरीके की ढेर सारी गद्दारियां मक्कारियां हरामी बंतियां हुई हैं। तो जी आप पार्टीशन में देखिए, जब पार्टीशन में मुस्लिम लीग वहां पे सरकार नहीं बना पाई थी, हाँ। मुस्लिम लीग को काफी लोगों का सपोर्ट लेके जो है ना वो बनाना पड़ा था इंटरिम गवर्नमेंट। राइट। हाँ। तो ये अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि वहां पर बड़ी संख्या में हिंदूज थे और इनका जो 1946 का जो एक्सपीरियंस कोलकाता का, नोआखली का और बहुत सारी जगह का, पटना का, उससे हाँ ये आसानी से अंदाज लगाया जा सकता था कि ये लोग जो है बहुत ही घृणित कारनामे करेंगे। तो इस जी दूध पीते बच्चे को भी ये आसानी से मालूम पड़ सकता था, आसानी से अनुमान लगा सकता था कि जो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन होगा वो खूनी होगा। जब आपके लॉर्ड माउंटबेटन से लेके आर्मी वगैरह थे तो ये सब चीजें बैठ के तय क्यों नहीं की गई, भाई दैट प्रोटोकॉल वेयर नॉट डिजाइंड कि भारत से जो मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे और जो पाकिस्तान से हिंदू हिंदुस्तान आने वाले थे उनका जी सेफ ट्रेवल हो, एक दूध पीते बच्चे को ये बात समझ में आना चाहिए थी कि नहीं आना चाहिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो ये क्यों नहीं किया गया। ये राजनीतिक दुष्टता थी, ये बहुत बड़ी राजनीतिक दुष्टता थी, नंबर वन। नंबर टू, अभी आप देख रहे होंगे कि यूक्रेन का लोग बड़े संख्या में डिस्प्लेस होके पोलैंड वगैरह जा रहे हैं और हाँ बाकायदा कैंप बनाए गए हैं उनको रिसीव करने के लिए। हाँ जब इन लोगों ने पाकिस्तान से हिंदुओं को गोचर करके भगाया और उनकी संपत्ति जो है आने वाले हिंदुस्तानियों को, यहां से जो मुस्लिम है उनको बांटी, हाँ
जो लोग पाकिस्तान जो पाकिस्तान यहां से मुस्लिम गए थे उनकी संपत्ति क्या हिंदुओं को क्या क्यों नहीं बात ये बांटी गई। इन्होंने उल्टा कहा कि ये पाकिस्तान ये लोग मुस्लिम वापस लौट के आएंगे। अरे भाई साहब, जब आपने उनकी आबादी के हिसाब से पूरा देश ही बना दिया तो करेक्ट वो करेक्ट क्यों लौट के आएंगे ये बताइए ना। ये कहने का आपको तब अधिकार था जब आप अप्रोच करते 15 जून को, जब जो है गांधी को, इट इज द गांधी हु सपोर्टेड द पार्टीशन, जो व्यक्ति ये कहता था कि देश का विभाजन मेरी लाश पे होगा, उसने, जबकि वहां पर जो मिस्टर टंडन और बहुत सारे लोग थे इंक्लूडिंग सिद्धांत गांधी, जिन्होंने हाँ इसको अपोज किया था, जी इस व्यक्ति ने अपनी डिप्लोमेटिक बातचीत के बाद ही सपोर्टेड पार्टीशन। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन, ही तो सपोर्टेड एंड फैंड पार्टीशन. हमारा ये कहना है कि आप ये बताइए कि ये दुष्टा आपके ऊपर एक के बाद एक लादी गई, मैसेकर कराया गया। इसके पहले 1921 में जो है ना मोपला का जो है इसी तरीके से मैसेकर करेक्ट हुआ। करेक्ट 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 आप तो बताइए, तुर्की के खलीफा से भारत का क्या लेना देना था? बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल खलीफा मूवमेंट चलाया जिसको हाँ खिलाफत मूवमेंट कहा गया, इट्स नॉट खिलाफत, इट्स करेक्ट. नहीं, खलीफा। आई एम अवेयर ऑफ इट. जी. अब आप ये बताइए, उन्होंने उसमें जिहादीपन ला दिया एंड करेक्ट दे बुचर्ड हिंदू। ये बताइए, दे रेप्ड महिलाएं, महिलाओं को स्ट्रिप किया गया, उनको उनको उनके बदन से जो ना कपड़ों को उनको निर्वस्त कर दिया गया। इस हाँ क्रम पे क्यों जो है ना लोगों को प्रोजिक्यूट नहीं किया गया? व्हाई इट वाज नॉट वन ऑफ द एजेंडा पॉइंट ऑफ द कांग्रेस के साहब इनको जो है ना प्रोजिक्यूट करिए? इसका मतलब है कि ये सिलेक्टिवली देशद्रोही लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल है ही. दे वेर नॉट बंच ऑफ द पेट्रोट, दे वेर द बूचर्स, एंड इन ये सत्ता को अपने लाभ के लिए पाना चाहते थे। एंड जी एग्जैक्टली इट जी हैज हैपन। आप ये बताइए, आपने जो है संविधान में अधिकांश प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए, ठीक है? हाँ तो हाँ 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 आपने जो है क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपकी सेवा के लिए बनाया गया था क्या? नहीं, अपने मैंने पढ़ा है उस एक्ट को. नंबर प्रणब वन मुखर्जी की किताब में भी इसका मेंशन है. ना, अब आप इस बात को मान लीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि आपने अंग्रेजों के नियम कानून सब यथावत अडॉप्ट कर लिए। बिल्कुल अंग्रेजों वही ने वही ये गलत बात है, चेंज होना चाहिए. आप ये बताइए, अंग्रेजों ने ये कानून आपकी सेवा के लिए बनाए थे, देशभक्ति के लिए बनाए थे? राइट। नहीं, वो अपने लिए बनाया था. और इंग्लिश पीपल वेयर ए फ्रॉड पीपल, यदि वो फ्रॉड नहीं होते तो ये बताइए, भगवान सरदार भगत सिंह ने असेंबली में एक स्मोक बम फेंका विच वॉज इनकेपेबल ऑफ किलिंग एनीबडी, इनकेपेबल ऑफ किलिंग, इट वॉज नॉट कैपेबल ऑफ किलिंग, इट वॉज इनकेपेबल ऑफ किलिंग, राइट? तो जो जिस व्यक्ति से एक मक्खी नहीं मर सकती थी, और उसने कहा भी कि हम ध्यान पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने ये स्मोक बम जी फेंका है, तो ना तो इंटेंट ऑफ किसी को मारना था, ना वॉज पोटेंट इनफ टू किल एनीबॉडी, जी या ये कौन सा जो है ना न्याय था कि आपने उस व्यक्ति को फांसी पे चढ़ा दिया, और जो डेट जो है फांसी के लिए नियत थी उसकी जो है एक दिन पहले ही उसे फांसी पर चढ़ा दिया, और हाँ उसकी बॉडी को आपने इलीगली डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की। तो ये अच्छा, फिर आपने जो है वो पूरे ब्यूरोक्रेसी को एजिटेज अडॉप्ट कर लिया। दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू. आप मुझे बताइए कि ये ब्यूरोक्रेसी आपकी जो है ना हाकिम थी, लॉर्ड थी, आपने उसे एज ए लॉर्ड ही अडॉप्ट कर लिया? वाई 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 हंड्रेड नॉट, ऑल दिस जी. आप गिरी जी बताइए, वाई इट वॉज नॉट मेड अकाउंटेबल? ठीक है गुप्ता जी, फिर आपसे बात करेंगे. अभी मैं जरा कहीं किसी और काम में लग रहा हूँ अभी. देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि बाकी कामों से छोड़ के कुछ समय निकालिए, अपने आप को ऊर्जा केंद्र की बजाय बजाय नहीं, करूंगा संकल्पित करूंगा करूंगा करिए और जी जी उसको स्प्रेड करके, तभी हम इन आसुरी शक्तियों का हनन कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, एग्री मतलब विद ये यू. और कोई तरीका नहीं है। आई हैव क्रिएटेड ए फुल फ्लेज मॉडल, क्योंकि इन्हें से अनुनय विनय प्रार्थना हम दिखाने के लिए करेंगे, फिर इन्हें विवश करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो जी शतरंज के गेम में इनको हराएंगे, इनकी जमानत जब्त करेंगे। ये मेरा विचार है। तो ठीक है.
अवध गिरी जी, मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ महाऊर्जा केंद्र बनिए और अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जाकृत करके, प्रकाशित करके, नेगेटिविटी उनकी खत्म करते हुए खुद कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, उन्हें और कोई काम नहीं करना है। लेकिन हम प्रकाश पुंज बन के इन दुष्टों को और आसुरी शक्तियों का संहार करें, यही हमारा वैदिक ज्ञान है। ठीक है ना? तो अवध जी बढ़ जाइए आप जोर से। हाँ ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।